नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। पीलीभीत में दो बच्चियों की हत्या के मामले में सपा के पूर्व मंत्री ने की प्रेस वार्ता। शाहजहांपुर पहुंचे पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने शहर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि वह अभी बीसलपुर पीलीभीत से आए हैं। उन्होंने विश्वकर्मा समाज की कल कन्याओं के घर पर गए, मृत बच्चियों की भाभी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे वार्ता की, जिसमें बच्चियों की भाभी ने बताया कि उसके साथ दो महिला पुलिसकर्मियों ने उसे नंगा करके प्रताड़ित किया तथा बहुत ही अत्याचार किए। पूरे मामले की पुलिस वीडियो बनाती रही और अपने आप बताती थी कि तुम्हें यह बोलना है। उस समय वीडियो बंद कर दिया जाता था। पूर्व मंत्री ने बताया कि पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक से उनकी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि हम नए सिरे से विवेचना कराएंगे, जो दोषी होगा वह जेल जाएगा और जो दोषी नहीं है उन्हें जेल से छुड़ाया जाएगा। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर मृत बच्चियों के परिजनों को न्याय नहीं मिला और उन्हें नहीं छोड़ा गया तो यह आंदोलन विश्वकर्मा समाज पूरे प्रदेश में शुरू करेगा। इस दौरान शाहजहांपुर विश्वकर्मा महासभा के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने पीड़ित परिवार को ₹10,250 की आर्थिक सहायता भी दी है तथा शाहजहांपुर से सैकड़ों की तादाद में विश्वकर्मा समाज के लोग बीसलपुर पहुंचे थे। लेकिन सच्चाई है कि दो विश्वकर्मा बेटियों की हत्या की गई है और हत्यारों ने हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश की और स्थानीय पुलिस ने पूरे मामले को उलट दिया और परिवार के लोगों का ही को ही मुजरिम बना करके जेल भेजने का काम कर दिया। जो वास्तविक हत्यारे हैं, असली हत्यारे हैं, वो आज भी घूम रहे हैं और उनको पुलिस जो है बचाने का काम कर रही है। तो आज हम मौके पर गए और उस परिवार पीड़ित परिवार से मिले। केवल एक महिला है, महिला ने रोते हुए बताया कि पुलिस उसको पकड़ कर ले गई थाने में, मारा पीटा, नंगा किया, प्रताड़ित किया और जोर जबरदस्ती करके उन्होंने बयान दिलवाया कि आप बयान दीजिए कि यह परिवार के ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो इस तरह से परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हमने तो पुलिस अधीक्षक से भी बात की पीलीभीत के, और उसके बाद आईओ से भी बात की और हमने कहा है कि पूरे मामले को वो फिर से देखें और वास्तव में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो निर्दोष हैं उनको जो है वो छोड़ने का काम करें। उनको न्याय दिलाने के लिए किस तरह से आप आगे और भी कार्रवाइयाँ करेंगे? अभी तो हमने पुलिस अधिकारियों से बात की है, अब उनको हमने समय दिया है कि ये इस हत्या का खुलासा करें और जो वास्तव में जिसने हत्या की है उनको जेल भेजें और जो निर्दोष लोग हैं उनको छोड़ने का काम करें। अगर पीलीभीत की पुलिस सही कार्रवाई करती है तो ठीक है, और नहीं तो इस मामले को हम जो है शासन और आयोग तक ले जाने का काम करेंगे। इसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। आईओ तो अभी वही हैं और आईओ ने अभी श्योर किया है कि हम इसमें निष्पक्ष जांच करेंगे। जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने माल्यार्पण कर और बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने विश्वकर्मा बंधुओं का कई जिलों को मिलाकर शाहजहांपुर में एक बड़ा सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी भी अमित शर्मा को सौंपी है। इस दौरान सुनील शर्मा प्रेस, कुमार शर्मा, विकास अग्रवाल, शानू शर्मा, सुधीर शर्मा सहित तमाम विश्वकर्मा वंशी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट।